दिल्ली पुलिस के द्वारका जिले के एंटी नारकोटिक्स टीम ऑफ ऑपरेशन सेल ने हेरोइन सप्लाई करने वाले दो आरोपी को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से पुलिस ने 106 ग्राम हेरोइन और अल्प्राजोलम का मिश्रण बरामद किया है। द्वारका जिले के एंटी नारकोटिक्स टीम ऑफ ऑपरेशन सेल ने जिले में नशीली दवाओं की अवैध आपूर्ति के खिलाफ दो ड्रग तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया था। सूचना के आधार पर एसीपी विजय सिंह के निरीक्षण व इंस्पेक्टर नवीन कुमार की देखरेख में एसआई सुभाष चंद्र के नेतृत्व में एएसआई सतपाल डागर, एएसआई विनोद, हेड कांस्टेबल सुशील, हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार, हेड कांस्टेबल प्रमोद, हेड कांस्टेबल कुलदीप, हेड कांस्टेबल हेतराम और सीटी सोनू की टीम का गठन किया था। 8 जून को एसआई सुभाष को मुखबिर के माध्यम से गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि द्वारका में ड्रग रैकेट में लिप्त एक व्यक्ति जो पीएस डाबरी क्षेत्र में हेरोइन आदि दवाओं के मिश्रण की आपूर्ति करेगा। सीतापुरी में छापा मारा गया। टीम ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से 106 ग्राम हेरोइन और अल्प्राजोलम का मिश्रण बरामद किया गया। आरोपी की पहचान नूर अंसारी के रूप में हुई। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके कहने पर एक अन्य आरोपी सोएब उर्फ सुहाब गुड्डू निवासी सीतापुरी डाबरी को भी गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 15 ग्राम हेरोइन और अल्प्राजोलम का मिश्रण मिला है। दिल्ली से डेली न्यूज़ ऑनलाइन.in के लिए कुलवंत कौर की रिपोर्ट।